खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों के पंचनामा का। तो मांद्रा यूपी में पुलिस वालों की दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस वालों ने महिला के साथ महीनों तक बलात्कार किया। पूरी खबर बताएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण से लेकर कर्नाटक की सियासी जंग तक कई अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई, सारी खबरें विस्तार से बताएंगे आगे। और यासिर, इसके अलावा इस बुलेटिन में बारिश की भी बात होगी, कैसे यूपी एमपी और बिहार में बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, ये सब खबरें दिखाएंगे आपको। पर आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खबर मुंबई के गोरेगांव इलाके की, जहां नाले में बह गए मासूम दिव्यांश का 1.5 दिन बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चला है, सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, हम इस समय गोरेगांव इलाके के एक नाले के पास मौजूद हैं। ये वो नाला है जो उस इलाके की नाली से जुड़ता है, और देखिए जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं अब इस नाले में भी खोजबीन का काम शुरू कर चुके हैं। नाले में उतरकर उस बच्चे को खोजने का काम किया जा रहा है। कल से ही लगातार आसपास के जितने भी कनेक्टिंग नाली, नाले और खाड़ी का इलाका है, वहाँ लगातार जो NDRF के जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं खोजबीन कर रहे हैं उस बच्चे की। कोई खबर अब तक उस बच्चे की नहीं मिली है। लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर सीढ़ियाँ, रस्सियाँ और ये जितने भी इनके यंत्र हैं, उन यंत्रों का इस्तेमाल करके उस बच्चे को खोजने का काम लगातार जारी है। करीब 44 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 1.5 साल के मासूम दिव्यांश का कोई सुराग नहीं मिला है। दिव्यांश 10 जुलाई को गोरेगांव में खुले मेनहोल में गिर गया था। इसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। दावा किया गया कि NDRF की 40 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। हालांकि दिव्यांश के पिता BMC और राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। मेरा मांग ये है कि पहला तो अपना इस्तीफा दे दे, जब उनके बस की चीज नहीं है तो वो इस्तीफा अपने आप उनको दे देना चाहिए था, अभी तक नहीं चाहिए था। और हवा में बातें होती है कि NDRF की टीम 40 टीम काम कर रही है, 50 टीम काम कर रही है। हम यहाँ के जो पवार साहब से जो पुलिस के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ गए हम, वहाँ पे एक भी NDRF की टीम नहीं है। सूरज सिंह के मुताबिक मेयर के आने से पहले पुलिस उनके साथियों को पकड़ कर ले गई और तब तक थाने में रखा जब तक मेयर चले नहीं गए। तो अब तक दिव्यांश का कोई सुराग नहीं है, लेकिन गोरेगांव में दिव्यांश के साथ जो हुआ वो भगवान ना करे किसी और के साथ हो, लेकिन हादसे से सबक नहीं लिया गया है। मुंबई के खुले मैनहोल अगले हादसे को दावत दे रहे हैं। देखिए, मैं फिलहाल मुंबई के पवई इलाके में हूँ। पवई गार्डन के सामने की ये सड़क है और ये फुटपाथ है। इस फुटपाथ में एक नहीं दो जो गटर है वो पूरी तरह से, उस एक के ऊपर आधा ढक्कन है और ये पूरा इसका ढक्कन जो है वो खराब हो गया। और आपको बता दें, जब जोरदार बारिश होती है मुंबई में तो पवई का ये परिसर, यहाँ ऊपर से तालाब का पानी आता है और यहाँ इस पूरे परिसर में पानी ही पानी होता है, सड़क दिखती नहीं है। तो ऐसे में अगर इस फुटपाथ से कोई चलकर आएगा तो जाहिर है वो ये देख नहीं पाएगा और इसमें वो गिर सकता है और यहाँ से बह सकता है। इस समय हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की अगर जो आपको हालत दिखाना चाहे तो कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैनहोल है ये बीचों बीच सड़क पर बना खुला हुआ है, जहाँ पर लोगों के लिए, मुंबईकरों के लिए खासकर यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है, चिंता की बात हो सकती है। इस मैनहोल की अगर हम गहराई आपको दिखाना चाहेंगे तो ये काफी गहरा है कि इसमें एक बच्चा भी गिर जाए तो वो बुरी तरीके से घायल हो सकता है। और इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को बिल्कुल सट कर जो सर्विस रोड होते हैं, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक ट्रैफिक जाम के वक्त मुंबईकर करते हैं, उसी सर्विस रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक खुला मैनहोल हमें नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर दो मैनहोल है, एक मैनहोल को तो BMC ने ढक दिया है, लेकिन दूसरे मैनहोल को यहां के स्थानीय लोगों ने या यात्रियों ने कुछ पत्थर, कुछ लोखंड के सलिया और कुछ पेड़ से ढका दिया जा रहा है। तो मुंबई में हादसों को दावत देते हुए मैनहोल्स की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको यूपी के उन्नाव लिए चलते हैं, जहां पर मदरसे के बच्चों की अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि मदरसे के बच्चों को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। उन्नाव के GIC मैदान में मदरसे के छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंच गए। मदरसों के बच्चों का आरोप है कि उनको जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जाने लगा। छात्रों ने जब जय श्री राम बोलने से इनकार किया तो उनकी पिटाई की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, जिसके बाद मदरसा संचालक द्वारा मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 3 नामजद और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रघुवंश हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने कोतवाली का घेराव कर गिरफ्तार युवकों को छोड़ने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर हिंसक आंदोलन की बात कही है।
और अब बात कर्नाटक की सियासी जंग की। कर्नाटक में इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 16 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे आसान शब्दों में समझ लीजिए। 16 जुलाई तक कुमारस्वामी सरकार सुरक्षित रहेगी। 16 जुलाई तक न इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा और न ही विधायकों की सदस्यता को अयोग्य ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर, मुख्यमंत्री और बाकी विधायकों के वकीलों ने अपनी अपनी दलील रखी। विधायकों के वकील मुकुल रोहतकी ने कहा, स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे अध्ययन करना होगा। ये समझ से परे है कि एक लाइन के इस्तीफों में उन्हें क्या पढ़ना है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। पार्टी ने सदन में रहकर बजट के पक्ष में वोट का व्हिप जारी कर दिया है। कोशिश है कि इसकी आड़ में विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाए। रोहतकी की दलीलों पर स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नियमों के मुताबिक इस्तीफे पर फैसला लेने में समय लगता है। वैसे जो इस्तीफा देना चाहते हैं उन्हें अयोग्यता से क्या डर? वो इसलिए डरते हैं कि अगर दूसरी सरकार बनी तो बिना चुनाव जीते उसमें मंत्री नहीं बन सकेंगे। लोग मंत्री बनने की उम्मीद में स्पीकर की निष्पक्ष कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम कुमार स्वामी के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से कहा, स्पीकर कल विधायकों से शाम 6:15 पर मिले। कोर्ट के आदेश के इस हिस्से पर अमल हुआ। वो नियमों के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला लेंगे, लेकिन स्पीकर कैसे काम करें इसका निर्देश कोर्ट नहीं दे सकता। अंत में चीफ जस्टिस ने कहा, सवाल ये है कि क्या इस्तीफे के बाद अयोग्यता की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। हम 16 जुलाई को अगली सुनवाई करेंगे, तब तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून को दिए फैसले में शिक्षण संस्थानों और नौकरी में मराठा आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण 16 से घटाकर 12 और नौकरियों में आरक्षण 13% कर दिया था। इसी आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वोट बैंक साधने के लिए मनमाने तरीके से मराठा समुदाय को आरक्षण दे दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण की सीमा 50% तक ही रखने के फैसले का भी उल्लंघन बताया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण है। अगर 16% मराठा आरक्षण लागू हो गया तो महाराष्ट्र में आरक्षण 68% हो जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, लेकिन चूंकि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50% तय करने से पहले दिया गया है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं हो सकता। और अब खबर चारा घोटाले में जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। दरअसल लालू प्रसाद यादव को आज एक मामले में जमानत मिल गई, लेकिन वो अभी रहेंगे जेल में ही। रांची हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार घोटाले मामले में लालू यादव को जमानत दी है। लालू यादव को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। ये देवघर कोषागार से संबंधित था और इसमें 3.5 साल की सजा हुई थी। इसमें हाफ सेंटेंस ही कंप्लीट कर लिए थे, करीब 26 महीना जेल में रह चुके थे। उसी ग्राउंड पर जो है हमने बेल का अर्जी दिया, क्योंकि अदर एक्यूज को जो है आधे सेंटेंस पर बेल इस माननीय न्यायालय ने दिया था, उसी को आधार बनाते हुए हमने दिया, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और इनको बेल ग्रांट किया। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव जेल में ही रहेंगे, क्योंकि चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दुमका, देवघर और चायबासा कोषागार मामले में सजा सुनाई थी। ऐसे में चायबासा और दुमका मामले में जब तक लालू को जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल में ही रहेंगे। चारा घोटाले से जुड़े दुमका मामले में लालू को 5 साल जबकि चायबासा मामले में उन्हें 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। लालू की ये तीनों सजा एक साथ चल रही है। और अब बात राहुल गांधी की, जो आजकल मानहानि के मुकदमों में जगह जगह कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आज राहुल अहमदाबाद में थे। एडीसी बैंक मानहानि मामले में राहुल गांधी को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है। नोटबंदी के दौरान राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक पर 745 करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बैंक ने मानहानि का मुकदमा किया था। अहमदाबाद पहुंचकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। ट्वीट में राहुल ने लिखा, आज मैं अहमदाबाद में हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी और आरएसएस ने केस दर्ज करवाया है। मैं उन्हें मंच और अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस मंच के जरिए मैं उनके खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को जनता के बीच ले जाऊंगा। सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि राहुल को इससे पहले 2 और मानहानि मामलों में मुंबई और पटना की कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीतिक दलों को अब विदेश से मिलने वाले चंदे की जानकारी देनी होगी। हालांकि अब से पहले मिले विदेशी चंदे की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पार्टी को विदेश से मिलने वाले चंदे में कई तरह की गड़बड़ियां थी। चंदा देने वाली कंपनियों के रिकॉर्ड और दस्तावेज अधूरे थे।
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 और 17-18 के बीच कंपनियों से मिले चंदे के तहत बीजेपी को 1731 कंपनियों से लगभग 915 करोड़ मिले, जबकि कांग्रेस को 151 कंपनियों से 55 करोड़ मिले। एनसीपी को 23 कंपनियों से 7 करोड़ का चंदा मिला। राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे में करीब 22 करोड़ रुपए ऐसी कंपनियों से मिले जिनके बारे में ये स्पष्ट नहीं था कि वो क्या काम करती हैं। वहीं करीब 120 करोड़ देने वाली 916 कंपनियों के पते का जिक्र नहीं था। राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि अब इसको लेकर मोदी सरकार ने कदम उठाया है। अब नए प्रावधान से पार्टियों को आधिकारिक रूप से विदेशी चंदे का विवरण देना होगा। और अब पुलिस से जुड़ी एक शर्मनाक खबर दिखाते हैं आपको। यूपी के एटा में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। पति के एनकाउंटर की धमकी देकर पुलिस वालों ने शादीशुदा महिला के साथ कई महीनों तक बलात्कार किया। एटा जिले के आवागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक युवक के खिलाफ न्यायालय से एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद युवक वारंट निरस्त करवाने के लिए पैसों की खातिर दिल्ली मजदूरी करने चला गया। महिला का आरोप है कि इस दौरान एटा के एक थाने में तैनात दारोगा योगेश कुमार तिवारी पीड़ित युवक के घर बार बार जाने लगा, मोबाइल छीन लिया और फिर धमकाया। दारोगा योगेश महिला को बार बार बुलाकर बलात्कार करता रहा। करीब 4-5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। महिला विरोध करती तो पति के एनकाउंटर की धमकी देकर मनमानी करता रहा। इस खेल में योगेश का साथी दारोगा प्रेम कुमार गौतम भी शामिल हो गया था। महिला ने कहा है कि आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था। महिला का पति गांव आया तो महिला ने पूरी कहानी बताई। तब तक उसे 3 महीने का गर्भ ठहर चुका था। पति ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की। दोनों आरोपियों को पुलिस ने लाइन हाजिर कर दिया है। कल पंचनामा में आपको एक बीजेपी विधायक का पिस्तल लहराते वाला वीडियो दिखाया था। अब बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें जो है वो और बढ़ गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। वही अब पुलिस विभाग भी जांच में जुट गई। तमंचे पर डिस्को करने वाले विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पहले ही 3 महीने के लिए सस्पेंड किए गए थे। अब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि वीडियो में दिख रहे 3-3 रिवॉल्वर और राइफल लाइसेंसी हैं या नहीं। दूसरी ओर विधायक जी ने वीडियो वायरल होने पर मीडिया को इसका जिम्मेदार बताया। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि वो 8 साल की उम्र से हथियार चला रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र होने पर हथियार चलाना गैर कानूनी है। मुझे 45 साल का तजुर्बा है, 8 साल की उम्र से हथियार मैं चला रहा हूँ। अब मैं 53 साल का हो गया हूँ। लाइसेंसी हथियार मेरे हैं, लोडेड नहीं है। और किसी जन्मदिन में फंक्शन खत्म होने के बाद रात को 1-1.30 बजे अगर घर वालों के साथ हमने एंजॉय किया, कौन नहीं करता। पर क्योंकि मेरा नाम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है, इसलिए वो टीआरपी बनाने के लिए न्यूज बन जाती है। यानी कि वो अगर लाइसेंसी हथियार के मामले में बच गए तो भी उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान। आजम खान और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान के खिलाफ भू माफिया के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आजम खान पर किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है। किसानों की शिकायत पर जांच के बाद आई रिपोर्ट के बाद राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। जिला अधिकारी के मुताबिक 26 किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जमीन होने की बात कही थी। जाहिर सी बात है कि जब वो खेती वहाँ नहीं कर पाते और यूनिवर्सिटी के अंदर है तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो निश्चित रूप से वो कब्जे में है। इसको चेक कराया, जांच कराई गई तो उसमें ये बात उनकी सही निकली और इसीलिए भू माफिया के अंतर्गत क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री आजम खान साहब हैं और आले हसन जो हैं वो उनके खिलाफ लोगों का आरोप था और इन दोनों के खिलाफ चूँकि लोगों ने एफिडेविट पर आरोप दिया हुआ है तो इसलिए हमारी तरफ से भू माफिया ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि ना वो अपनी जमीन पर जा सकते हैं और ना ही खेती कर सकते हैं। और अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा के ससुराल में ताला लगा है और अब उनके ससुर साक्षी के पिता यानी कि विधायक राजेश मिश्रा ने जिद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। ये बच्चों के माध्यम से मुझे पता चला था कि ये जो है उनको थ्रेटिंग मिली हुई है और उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए जो है हम लोग भी सब भागे भागे फिर रहे हैं और परेशान। दोनों बच्चे बालिग हैं। मैं तो फिर भी विधायक से यही निवेदन करता हूं, ये मेरा अनुरोध है कि जीत को छोड़ें। अजितेश के पिता डर के मारे अपने घर नहीं पहुंचे हैं। वहीं बरेली में अजितेश के घर पर ताला लगा है। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार वाले 5 तारीख से ही लापता है। बता दें कि बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति के अजितेश से शादी करने के बाद वो उसे और उसके पति को जान से मारना चाहते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। और बीजेपी विधायक की बेटी की शादी का विवाद तो ही साथ ही इसी बीच कौशाम्बी में भी एक बेटी की शादी के कारण डरी हुई है। कौशाम्बी की सलोनी ने मुस्लिम युवक सलमान से घर की मर्जी के खिलाफ शादी की।
घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी के फैसले से सलोनी और सलमान की जिंदगी में भूचाल आया हुआ है। सलोनी के घर वालों ने सलमान के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया। कौशाम्बी पुलिस सलमान की गिरफ्तारी की ताक में है। सलमान के दोस्त आमिर और एक रिश्तेदार प्यारे को जेल भी भेज चुकी है। वहीं पुलिस और परिवार से डरे सलोनी और सलमान ने मोबाइल से वीडियो शूट करके सफाई दी है कि वो अपनी मर्जी से शादी करने जा रहे हैं। और हम भी जो है दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे घर वाले नहीं तैयार, ना मेरे घर वाले ना ही तो मेरे घर, इसलिए इसकी कहीं और शादी कराना चाह रहे हैं। ये जान देने जा रही थी तो इसलिए मुझे जो है इस वजह से शादी करना पड़ गया हर हाल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग जान दें। हम लोग शादी करके एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। बस आपसे अपील है कि हमें जो कोई भी परेशान करने की कोशिश न करे। वहीं वीडियो आने के बाद पुलिस के सुर बदले हुए हैं। कौशाम्बी के एसपी ने तो ऐसे किसी वीडियो की जानकारी होने से ही मना कर दिया। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल है, मैंने नहीं देखा सोशल मीडिया, जिसमें ये लड़की और लड़का दोनों। और अब बारिश से जुड़ी खबरें दिखाते हैं आपको, बिहार लिए चलते हैं जहां बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर तक बिहार में बारिश का कहर बरपा है। कहीं अस्पताल के आईसीयू की छत से पानी टपक रहा है तो कहीं लोग सड़क पर ही धान की खेती कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश की वजह से कई जिलों में रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। इस बीच सीतामढ़ी में मौत बारिश बनकर आई। यहाँ बेनीपुर गाँव में छज्जा गिरने से एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि पटना में पिछले तीन दिन की बारिश से शहर टापू में तब्दील हो गया है। ये बंगाली टोला मोहल्ला है, आप तस्वीर देखिए किस तरीके से हर दिन यहाँ लोग जो गुजरते हैं वो घुटने भर लगभग पानी से उनको फिलहाल पिछले चार दिनों से अगर बात की जाए तो उन्हें गुजरना पड़ रहा है। और गाड़ियां तो इधर से निकलती ही हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कैमरे के दाईं तरफ पटना जंक्शन है और बाईं तरफ मीठापुर बस स्टैंड है, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं ताकि आप ये समझें कि लोग यहां से गुजरने वाले लोगों की संख्या हर दिन कितनी होती होगी और आम जन इन समस्याओं का सामना न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं। मेरे छपरा का सदर अस्पताल परिसर भी जलमग्न हो गया, जिससे मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। म्यूनिसिपल चौक पर भी जलजमाव से लोगों को परेशानी हुई। देखिए एक तरफ बिहार में जहां बारिश जानलेवा हो रखी है तो बिहार के सुपौल में ही बारिश के बीच एक बवंडर के उठने से लोगों के बीच और दहशत फैल गई है। सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के घीबहा गांव में उस वक्त लोगों की सांसें थम गईं जब आसमान में भयंकर बवंडर उठा। बवंडर की तस्वीर मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहे लोगों में डर के साथ ही आश्चर्य था। शाम करीब 6 बजे बवंडर खेतों के बीच से उठा। आज से पहले इस इलाके में ऐसा बवंडर नहीं उठा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बवंडर से इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। देखिए सीतापुर में अंडरपास में जलजमाव से एक शख्स की जान पर बनाई। सीतापुर में सिकंदराबाद रेलवे ट्रैक के नीचे बने अंडरपास में करीब 4 फीट पानी भर गया। इस बात से अनजान इस कार सवार ने अंडरपास पार करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बीच में ही अटक गई। वो तो गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने इन्हें देख लिया और फिर ट्रक की मदद से रस्सी के सहारे गाड़ी को बाहर निकाला गया। बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव संकट में आ गए हैं। सिरौली गौसपुर तहसील के टेपरा और तलवारी गांव में कटान से लोग परेशान हैं। जमीन का बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। डीएम ने इलाके का जायजा लिया। ये कोई तालाब नहीं बल्कि फिरोजाबाद के रिहायशी इलाकों की गलियां हैं, जहां बारिश के बाद ऐसा जलजमाव हुआ है कि इलाका टापू में तब्दील हो गया। घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। पानी भरे होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं लोगों को रोजमर्रा के कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पडरौना, कसिया, रामकोला सहित कई नगरों के दर्जनों मोहल्ले में घुटने तक पानी भर गया है। वहीं प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर परिसर की दीवार भारी बारिश की वजह से ढह गई। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा, वहीं हरियाणा में भी बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में बरसात के कारण सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। तस्वीरें यमुनानगर के जसवंत नगर इलाके की हैं, जहां ये साइकिल सवार बुजुर्ग पानी में गिर गए। बुजुर्ग पानी के तेज बहाव के साथ बहते जा रहे थे। लोगों ने बुजुर्ग को पानी से बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की हालत में अब सुधार है। और बारिश का कहर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी जारी है। बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में जहां बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। प्रशासन की ओर से रास्ता खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें असम के बरपेटा जिले की हैं, जहां बारिश के कारण सब कुछ जलमग्न होने की कगार पर है। पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें मिजोरम के लुंगेली इलाके की हैं, जहां बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
और मध्य प्रदेश में भी हालत खराब है। एमपी में बारिश तो मुसीबत बढ़ा ही रही है, साथ ही प्रशासन की लापरवाही से बच्चों की जान पर बनाई है। एक तो कीचड़ से सना रास्ता, ऊपर से रास्ते में बिच्छू। जरा सोचिए इन बच्चों का हाल जो हर रोज स्कूल जाने के लिए ऐसे ही रास्ते से गुजरते हैं। कीचड़ से सने रास्ते में चप्पल पहन के नहीं चला जा सकता, इसलिए नंगे पांव ही चलना पड़ता है, और अगर बिच्छू काट ले तो और मुसीबत। तस्वीरें दमोह के जबेरा ब्लॉक इलाके की हैं, जहां करीब आधा दर्जन गांव के लोगों के लिए बारिश के दिन आफत से भरे होते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में हालात ऐसे ही होते हैं, बीमार और लाचार पक्की सड़क न होने की वजह से कई बार मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो आधा हिंदुस्तान बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं, जहां बारिश के कारण ये पेड़ जमीन से उखड़कर गाड़ियों पर गिर गया। हादसे में 3 गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं। पेड़ गिरने से सोसाइटी की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास के इलाके की हैं, जहां बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। सड़क पर सैलाब बहता नजर आ रहा है, लोग अपने घरों से निकलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके में लगातार बारिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये तो बारिश की मार की खबरें आपने देखी। वहीं पानी की समस्या से जूझ रहे चेन्नई को आज बड़ी राहत मिली। ट्रेन के जरिए वहां 1 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया गया। आज वेल्लोर के जोलारपेट्टई रेलवे स्टेशन से 50 वैगन वाली 2 ट्रेन चेन्नई पहुंची। एक वैगन में करीब 50,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। इस हिसाब से करीब 1 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया गया। इस योजना के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वहीं चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड जल आपूर्ति के लिए काम कर रहा है। राजधानी में लगभग 525 मिलियन लीटर जल हर रोज पहुंचाने का लक्ष्य है। बता दें कि इस वक्त चेन्नई भयानक जल संकट से जूझ रहा है। यहां पर भूजल लगातार खत्म होता जा रहा है, जलाशय सूख चुके हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत ऐसी है कि लोग खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अब खबर शिरडी से। यहां एक दीवार पर साईं बाबा की आकृति देखे जाने का दावा किया गया, जिसके बाद यहां लोगों की भीड़ बढ़ गई। शिरडी में साईं दर्शन के दावों के बीच जयकार। साईं के शहर शिरडी में जहां इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ लगी है, साईं के जयकारे लग रहे हैं। साईं के दरबार में जो इस खबर को सुन रहा है वो यहां दौड़ा चला आ रहा है। साईं के भक्तों की आस्था है कि उन्हें मंदिर में साईं के दर्शन हुए हैं। दीवार पर जो आकृति दिख रही है उसमें उन्हें साईं की झलक दिख रही है। अब आस्था कहिए या आंखों का धोखा, मंदिर में दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं। पिछले साल भी भक्तों को कुछ ऐसी ही झलक दिखी, तो इस साल भी साईं के भक्त बाबा के जयकारे में लीन हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अंदर बाहर भारी भीड़ लगी है।